नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। थोड़ा सा इस बार हम दो दिन डिले हो गए व्यस्तता की वजह से, हम चौथे पार्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तत्सम तद्भव और एक दो प्रश्न पर्यायवाची के फिर से शामिल कर रहे हैं। ये सीरीज आपको कहीं ना कहीं हिंदी में बहुत बेहतर बना देगी, इसलिए अगर आपको लगे कि आपके साथ के कुछ लोगों के लिए जरूरी हो सकती है तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। पहला प्रश्न निम्न में से तत्सम शब्द है, अढ़ाई, मोर, चतुवारी, बैल। यहाँ पे ये सभी शब्द तत्सम या तद्भव कैटेगरी में नहीं बटे। यहाँ पे तत्सम की बात करें तो चतुवारी तत्सम शब्द है, देशज और विदेशज के रूप में भी है। बैन जो है वो विदेशज शब्द है, अढ़ाई जो है ये देशज शब्द है, और मोर जो है ये यहाँ पे तद्भव है। इसका इसका तत्सम मयूर होगा। तो यहाँ प्रकार भी है और तत्सम तद्भव भी। बच्चा शब्द का तत्सम रूप बालक, बाल और बच्ची, ये तीनों नहीं होंगे, वत्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चा शब्द का तत्सम रूप वत्स होगा। निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? पकवान, मिष्ठान, ये तो दोनों तत्सम है, सुरंग भी तत्सम है, बजरंग तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होता है वो वज्रांग होता है, वज्र प्लस अंग मिलके जो संधि बनेगी वज्रांग, वो इसका तत्सम होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? इलायची, किरण, उपवास, उद्वर्तन, ये आपके सामने ऑप्शंस है। अब देखिए, किरण जो होता है ये तत्सम है, किरण तद्भव है, उपवास तत्सम है, उपास तद्भव है, उद्वर्तन तत्सम है, उद्धर्तन तद्भव है, इलायची अपने आप में तद्भव है, इसका तत्सम एला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलायची आदमी तत्सम समझ जाता है, जबकि ये एक तद्भव है और इसका तत्सम एला होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, नवनीत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये वो प्रश्न है जो जनरली आपको एक तरीके से ब्लैंक माइंड कर देंगे। नवनीत का पर्यायवाची, नवनीत से कहीं पे भी आप अगर पकड़ पाए, जनरली शायद नहीं पकड़ पाएंगे, नवनीत घी का पर्यायवाची होता है, जबकि दिखने में नहीं लगता। घी का पर्यायवाची अमृत, घृत, ये तीनों होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन घृत होगा। घट माने घड़ा होता है, घर माने ग्रह होता है, घास दूरबा घास, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नवनीत का पर्यायवाची घृत होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ब्याल शब्द का समानार्थी नहीं है? निम्न में से कौन सा ब्याल शब्द का समानार्थी नहीं है? ब्याल सांप के लिए यूज होता है, अही, भुजंग, उरग, ये सर्प के लिए आते हैं, दुष्ट व्यक्ति के लिए भी बोल देते हैं, लेकिन सर्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। गात जो होता है, गात शब्द आता है देह या काया के लिए, देह या काया के लिए गात शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, जो ब्याल शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, पद्माकर किसका पर्यायवाची है? पद्माकर का अगर संधि विच्छेद करें, पद्म प्लस आकर, यही होना चाहिए। तो ये एक्चुअली में ऐसा तालाब, ऐसा जलाशय जिसमें कमल खिला हो, उसको पद्माकर कहते हैं। तो सूर्य, चंद्र, तालाब, कमल, ना तो कमल में तालाब दिया है, ना तालाब में कमल दिया है, तो आप तालाब सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, उसको लगाएंगे। पद्माकर मतलब जिसके अंदर से पद्म निकले या कमल निकले, ऐसा जलाशय, ठीक है, कमल रूपी जलाशय, इसका करेक्ट ऑप्शन तालाब हो जाएगा। अब ऐसा प्रश्न आपको आए तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगला प्रश्न है, तमचुर किसका समानार्थी शब्द है? तमचुर एक नया शब्द है, तमचुर मुर्गा को कहते हैं, मुर्गा को ही कुक्कुट कहते हैं, चंद्रचूर्ण कुछ शायद होता है, कुक्कुट और तमचुर, ये मुर्गा के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहने वाले, गुरु के समीप रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? गुरु के समीप रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतर्व्यापी, अंतिवासी, अंतर्वासी, अंतेवासी। अब ये प्रश्न जब तक आप अगर पढ़े नहीं होंगे तो इसमें आप लगा ही नहीं पाएंगे। गुरु के समीप रहने वाले को, चेले को अंतेवासी कहते हैं, ये एकार्थी शब्द हो गया। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए, प्रज्वलित और उज्ज्वल दोनों अलग है, यही हिंदी भाषा की ग्रामर अपने आप में ये खूबी रखती है कि आगे प्रा लगे तो उसके साथ आधी जाओ पूरी जाए कैसे होगा, कहीं पे उपसर्ग यूज होता है, कहीं पे व्यंजन संधि की वजह से होता है, तो प्रज्वलित में दो जा नहीं आते, जबकि जब उज्ज्वल देखें तो वहां दो जा का प्रयोग होता है। प्रज्वलित में सबसे वर्तनी की दृष्टि शुद्ध ये होता है, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो प्रज्वलित याद रखिए, एक बार जा आता है, वो भी आधे रूप में आता है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन आपके सामने थे, हम बहुत कम समय लेते हैं और
इधर उधर की बात नहीं करते हैं। ये हमारा अपना एक तरीके से इस चैनल का एक स्वभाव है कि हमारे पास जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं और उसके बदले में हमें कुछ कमाना हो, आपका समय व्यतीत करना हो, ऐसी कोई सोच हमने रखी नहीं। अभी हाल फिलहाल में अब तक की यही सोच है कि जो जानकारी हमें समय निकाल कर लगती है कि ये दे देनी चाहिए, उससे हमें एक फील ऑफ गुडनेस आती है और शायद आपको एक फील ऑफ करेक्ट नॉलेज मिल जाए। बस यही आपसी संबंध हमारे आपके बीच बना रहे, ऐसी भावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।